कुंभाराम आर्य किसानों के नेता माने जाते रहे हैं, और कुंभाराम ने भारतीय राजनीति में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज उनकी जयंती के अवसर पर राजस्थान के चूरू जिले की बिदासा तहसील के सांडवा कस्बे में जाट छात्रावास में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कुंभाराम किसानों के सच्चे हितैषी रहे हैं। वर्तमान समय के किसान नेताओं से कोसों दूर है। वर्तमान के किसान नेता कमीशन और भ्रष्टाचार की राजनीति करते, जातियों को लड़ाते हुए मिल जाते हैं, लेकिन कुंभाराम चौधरी ने, कुंभाराम आर्य ने जो राजनीति की वो किसानों की हित, किसानों की एकता के लिए की। इसीलिए आज भारत का संपूर्ण वर्ग कुंभाराम आर्य को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। कुंभाराम आर्य आर्य समाज से जुड़े हुए थे, अर्थात स्वामी दयानंद जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा उन्होंने दिया, और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की भी मांग उन्होंने सबसे पहले की। तो स्वामी दयानंद जिनकी बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद भारत की आत्मा है और उनकी आत्मा हमेशा रहेगी। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जातिवाद से कोसों दूर कुंभाराम आर्य ने किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय। हमारा चैनल FM 10 आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब शेयर करें। थैंक यू। Now please like, share and subscribe and don't forget to